बीसीसीएल लोधना क्षेत्र संख्या 10 अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य कर रही है, जिससे आसपास के ग्रामीण काफी प्रभावित हैं। बीसीसीएल एरिया 10 के झरिया के कुजामा स्थित देव प्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थर कई लोगों के घरों में जाकर गिरा, जिससे कई लोगों को चोटें लगी है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके विरोध में मोहरी बांध के लोगों ने आउटसोर्सिंग के कार्य को बाधित कर दिया और विस्थापन की मांग कर रहे हैं। काम प्रभावित की सूचना पाकर कंपनी के प्रबंधक कुंभात सिंह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को काफी समझने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। ग्रामीणों कहना है कि इससे पहले भी हैवी ब्लास्टिंग से नुकसान हुआ था, जिसका विरोध किया था तो कहा गया अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग से एक युवक को चोट लगी और कई घर क्षतिग्रस्त हुआ है। जब तक हम लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, हम लोग काम को चालू नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि नियम के तहत आउटसोर्सिंग के चारों ओर तार से घेरना है, हैवी ब्लास्टिंग नहीं करना है, लेकिन कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है। बता कि कुजमा बस्ती में सैकड़ों घर है जो आउटसोर्सिंग से प्रभावित है। मेरा बेटा पर गिर गया पत्थर, मेरा बेटा भाग नहीं सका, मेरा उसका हाथ में गोड़ है, विकलांग है। कैसे पत्थर गिरा? पत्थर गिरा ही ब्लास्टिंग हुआ, पत्थर गिरा लौट के दम गिरा था, दम बेहोश गया, बड़ा इलाज करेंगे, न इलाज करा न देखने आया कोई। काम मांग करते हैं उसका इलाज करवाइए, इलाज के बाद घर दीजिए, हम लोग का जहाँ ब्लास्टिंग करते रहे, मतलब घर मिलेगा अपने यहाँ से छोड़ के चल जाइए। चल जाएंगे, जैसा चोट घाट लगा उसका इलाज का पैसा दवा। कोई नाम बताइए अपना? मेरा नाम लालती देवी है। दसों घर में पत्थर गिर गया, सब फूट गया, ठीक है, न जाली लगाता है न कुछ, न घर देता है। पत्थर कैसे घर में गिर गया? किसी का जान चल जाएगा तब क्या होगा? आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग घर चाहिए, हम लोग को घर चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी पर हुआ सब अच्छा सुविधा के साथ आपको पुनर्वास किया जाएगा। मर जाएगा तब घर देगा का कंपनी? कंपनी तो रुपया कमा रहा है और सबका जान ले रहा है। क्या नाम हुआ आपको? बांध के ये भी है कि परसों ब्लास्टिंग हुआ था, ठीक है, बहुत सारा घर में पत्थर गिरा, टीवी नुकसान हुआ, किसी का ठेला नुकसान हो गया, आदमी बच गया। रोहित नाम का लड़का था, वो भागने के चक्कर में अपाहिज था, वो गिर गया, उसको चोट लगा है, ठीक है। इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था कि ऐसा ब्लास्टिंग नहीं होगा, फिर से ब्लास्टिंग किया जिसका कारण आपका आदमी का क्षतिग्रस्त हुआ, करकट वगैरह, टीवी वगैरह, सर्वे भी हुआ है, बहुत बार सर्वे हुआ है पर किसी तरह का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का घर विस्थापित किया। कौन सा जगह है? ये मोहरी बांध है। पूरा पर्चा दे दें। मेरा नाम शिव कुमार निषाद।